इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर से आ रही है। जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर में कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनात चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। चकबंदी अधिकारी अपने ऑफिस से सरकारी गाड़ी से ड्राइवर के साथ आवास विकास कॉलोनी से सब्जी खरीद कर अपने आवास सुरेंद्र नगर कॉलोनी जा रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने तमंचे से गोली बरसा दी, जिसमें चकबंदी अधिकारी को पेट में गोली जा लगी। गंभीर हालत में ड्राइवर अधिकारी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां से उसे हेयर सेंटर रेफर कर दिया गया। चकबंदी अधिकारी को मेरठ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। अभी अज्ञात बदमाशों की शिनाख्त नहीं हो पाई। मौके पर पहुंचे डीएम बिजनौर अटल कुमार राय ने बताया कि चकबंदी अधिकारी एक मीटिंग को छोड़कर अपने आवास के लिए निकले थे। बताओ क्या मामला हुआ? मामला हम गाड़ी लेकर सामने सुन रहे जा रहे थे, आपात दास लेकर सब्जी लेकर चले आ गए। सुंदर नगर के मोड़ में ही घर के पास मुड़े हम, तो वहाँ किसी ने गोली मारी। किसका? साहब को गोली मारी। कौन है साहब, क्या है? साहब एसओसी चकबंदी अधिकारी, चकबंदी एसओसी बंदोबस्त अधिकारी। अच्छा, कितने लोग थे इन्होंने गोली मारी? ये तो ध्यान नहीं रहा, कितना गाड़ी से आके ध्यान था, मैं ध्यान कितने लोग थे, मैं गोली लगी साहब के तुरंत हाथ बैठ उठा था मोड़ में। कितने बदमाश थे पता चल? मोटरसाइकिल सर। ठीक है, सब ये घटना लगभग आज 6:30 शाम की बताई जा रही है। चकबंदी अधिकारी अपने कार्यालय से उठ करके, बल्कि एक मीटिंग थी हमारे यहाँ, उस मीटिंग से उठ करके अपने घर की ओर जा रहे थे। कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर गोली चलाई है और प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि 12 बोर के जो है अवैध वेपन से चलाई गई है और उनके पेट में गोली लगी है। डॉक्टर ने बताया कि वो आउट ऑफ डेंजर है, फिर भी हम लोग सावधानी बरतते हुए उनको एनएस से मेरठ भेज रहे हैं ताकि प्रॉपर जांच हो जाए, प्रॉपर चेकअप हो जाए और जो भी दोषी होगा पुलिस इसकी विवेचना करेगी और हमलावरों को ट्रेस किया। जी, एक चकबंदी अधिकारी थे, उनको किसी ने गोली मार दी, पेट में छते लगे हुए हैं, बता रहे थे घर से बाहर निकले तभी किसी ने मारी। क्या हालत है? सीरियस है? नहीं, हालत तो ठीक है, छते अंदर नहीं है, बाहर बाहर लग रहा था, उनको मेरठ रेफर कर दिया।